हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, एमआरआर लाइफस्टाइल ऑफिशियल की तरफ से मंदारमनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को सबको पता चल ही गया है कि हम लोग मंदारमनी आए हैं। अचानक से प्लानिंग हुआ है मंदारमनी आने का, तो अब पैकिंग हो गया हम लोग का, हम लोग निकल पड़े हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। अब हम लोग जा रहे हैं इस प्लैनेट, क्योंकि इस प्लैनेट से ही हम लोग का बस है। 6:20 में मंदारमनी के लिए वो बस निकलेगा, तो अब हम लोग जा रहे हैं इस प्लैनेट। आप लोग भी साथ में बने रहें। देखिए गाइस, ये बस में हम लोग जाने वाले हैं मंदारमनी, और मेरे सर की हैत कितना खुश है। देखिए गाइस, घूमने जाने में तो खुशी मिलती है गाइस, तो खुशी हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। अब हम लोग बैठ गए हैं अपने सीट पे, अब गाड़ी चलने वाली है गाइस। सुबह सुबह कुछ खाने का दिल तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ तो खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं डर से ज़्यादा कुछ नहीं खाई। तो 2 घंटे के बाद बस हॉल्ट हुआ है गाइस। तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर लग रहा था, तो इसलिए हम नहीं निकलने मांग रहे थे, लेकिन वो बोले नहीं बाहर निकल के कुछ तो खा लो। तो फिर हम बाहर निकले और वहाँ पे एक टोस्ट लिए, और यहाँ गरम गरम चाय मिल रहा था वो भी लिए। फिर से अपने अपने जगह में हम लोग आके बैठ गए। अब ये यहाँ बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा है। मौसम उतना अच्छा नहीं था गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। मंदारमनी आने के लिए पहले चावल खोला उतरना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी टोटो या फिर प्राइवेट गाड़ी बुक करके अपना होटल में जाना पड़ेगा। आज का आउटफिट मेरा ये था गाइस। अब हम लोग टोटो में बैठ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपना रिसॉर्ट, और बहुत एक्साइटेड है। गाइस, अभी हम लोग अपने होटल में आ गए हैं, और होटल का नाम है होटल प्रिंस। ये होटल बहुत ही खूबसूरत है गाइस, इसका बाहर का नज़ारा देखिए, और इसका पर्सनल स्विमिंग पूल भी है, और उसका डेकोरेट कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है गाइस। और गाइस, इसका सबसे अच्छा चीज़ है कि ये मंदारमनी बीच से ओनली 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है गाइस। अभी हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे हैं गाइस, हम लोग सुपर डिलक्स रूम बुक किए हैं। अब हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं गाइस, रेस्ट लेना है, रेस्ट करके फिर हम लोग को बाहर निकलना है। और मंदारमनी में ना गाइस बाहर कुछ नहीं मिलता है, तो मैं अपने साथ में बहुत सारे स्नैक्स लेके आई हूँ, क्योंकि बाहर में कोई भी शॉप नहीं है खाने का, तो इसलिए जो भी करना है होटल के अंदर करना है। तो मैं अपने सारा सामान लेके आई हूँ, जैसा चिप्स है, कुकीज़ वगैरह है, तो मैं साथ में लेके आई हूँ। होटल पे जो रेस्टोरेंट है ना गाइस, वहीं पे हम लोग लंच करने आए हैं। हम लोग आके ही 2 घंटा रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट करने के बाद ही उठ के फिर हम लोग डायरेक्ट लंच करने के लिए आए यहाँ पे। होटल जितना ब्यूटीफुल है, वैसे ही रेस्टोरेंट भी इसका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। हम लोग का लंच तैयार होके आ गया है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। चिंगड़ी मछली मलाई करी जो टाइगर प्रॉन से बनता है, चिकन कसा, राइस और झुटझुड़े आलू भजा। प्रॉन मलाई करी टेस्ट किए है गाइस, जो बहुत ही ऑसम है गाइस, क्रीमी फ्लेवर है गाइस। सच में प्रॉन्स जो है बहुत फ्रेश एंड जूसी है गाइस, बहुत टेस्टी है। अब हम लोग चिकन कसा ट्राई करने वाले हैं। खाने के बाद हम लोग मीठा में गुलाब जामुन ट्राई किए हैं, गुलाब जामुन भी बहुत अच्छा था। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को तो पता है मैं कहाँ आई हुई हूँ। तब हम लोग जा रहे हैं बीच, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो आप लोग भी बीच चलिए। Thank you.
लोग बीच से आ गए हैं और यहाँ का वेदर कितना अच्छा हो गया है, देखिए कितना हवा चल रहा है, बारिश होने वाला है। सब स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं सब, तो मुझे भी एंजॉय करना है ना, तो इसलिए मैं जाके देख रही हूँ। यहाँ का वेदर इतना अच्छा हो गया है, हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे ना गाइस तो ऐसा ही वेदर हो गया था, तो वो पिछले के बाद हम लोग याद कर रहे थे कि कितना अच्छा वेदर था, और आज भी देखिए कितना अच्छा वेदर हो गया है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं साथ में हम लेके जाते हैं, क्योंकि कॉफ़ी और चाय हम लोग को चाहिए, तो इस वजह से मैं कैरी करती हूँ ये सारा सामान, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का कॉफ़ी और चाय बहुत पसंद है, तो मैं उनको टाइम टू टाइम बना कर देती हूँ, उनको बाहर का अच्छा नहीं लगता है। अब हम लोग आ गए हैं पूल में इंजॉय करने के लिए। और शाम का लुक देखिए गाइस, ये पूरा टोटली डिफरेंट है गाइस, और क्या लुक आया है देखिए, इतना लाइटिंग वगैरह चालू हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू पूरा। और स्विमिंग पूल में हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं, जो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मेरे सरीका यार को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस, तो इसलिए वो पूल के साइड में ही खड़ी है, देखिए। ये सच बोले हैं, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मैं बस साइड साइड में ही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। शाम का स्नैक्स आया है पूल में, चिकन पकोड़ा, तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में चिकन पकोड़ा खा रहे हैं। यहाँ का वेदर देखिए कितना अच्छा है। पूल से आने के बाद हम लोग 2 घंटा रेस्ट लिए, रेस्ट लेने के बाद फ्रेश हुए, रेडी हुए, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे मैच हो रहा है और मेरे हस्बैंड मैच देख रहे थे, और मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो ले रही हूँ, अपना दिखा रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, और यहाँ हम लोग का डिनर आ गया है। हम लोग का डिनर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं बीच थोड़ा वॉक करने के लिए और थोड़ा इंजॉय करने के लिए। तो 10 बज रही है रात का, और देखिए यहाँ पे कितना हवा चल रहा है और यहाँ पे कितना अंधेरा हो के है गाइस, लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था और बहुत जन थे वहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो देखिएगा हम क्या क्या ब्रेकफास्ट करेंगे। आज ब्रेकफास्ट करने का इरादा है कि नहीं है? इरादा है ना, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज हम लोग का दूसरा दिन है गाइस, आज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है आज हम लोग को। दादा আমাদের আপনাদের এখানে হোটেলের ব্যাপারে একটু বলুন, আর আপনাদের ব্রেকফাস্ট কখন কি হয় এটা একটু বলুন। আমাদের মর্নিং এ 8:30 থেকে 10:30 বুফেট লাগে, মানে হোটেল তিন সিস্টেম থাকে, রেস্টুরেন্টে মনে রেখে যাদের আলাকাট অর্ডার থাকে ওনাদের রুম সার্ভিস করা হয়। প্রত্যেকদিন কমপ্লিমেন্টারি এর সাথে পুরি সবজি ওটা থাকবে, হয়তো কোনদিন কচুরি হয়, কোনদিন সবজিও চেঞ্জ হয়। এটা কি আছে? আজকে মটরের তরকারি হয়েছে, আলু মটরের তরকারি, আলু মটরের তরকারি, আর বয়েলড এগ থাকছে, আজকে বয়েলড এগ আর পাস্তা হয়েছে, প্রত্যেকদিন চেঞ্জ হয়, বয়েলড এগটা থাকবে রোজ প্রত্যেকদিন। আর পোয়া আছে, পোয়া এটাতে পোয়া আর কোন দিন উপমা হয়, উপমা চাটনি, এটাতে কাঠফুট থাকে, কাঠফুটও চেঞ্জ হয়, আজকে ওয়াটারমেলন আছে, গোলাপজামুন আছে, গোলাপজামুনটাও চেঞ্জ হয় কোন দিন ঠিকে, গোলাপজামুনের জায়গায় অন্য কিছু আইটেম থাকে। তারপর ব্রেড বাটার জ্যাম তো রোজ থাকছে প্রত্যেক দিনই,
আচ্ছা এটা যদি কেউ আল্লা কাটে ভাবে কেউ যদি নেয় তাহলে এর মোটামুটি এর প্রাইস কত আছে? প্রাইস মোটামুটি যেরকম প্রাইস আছে ম্যানেজে ওরকম প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা। আর যদি বুফেট কেউ করতে যায় আলা কাট অর্ডারে ওনে পার হেড 250 করে বলতে এটা পুরো ফুল বুফে ও নিতে পারে। আর যে বুকিং করে আসে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট সে তো কমপ্লিমেন্টারি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। हम लोग ने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये व्लॉग मंदार मनी का पार्ट वन व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और पार्ट टू का आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्द से जल्द आने वाला है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।